नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BR Education में। आज अब 22 मार्च, तो 22 मार्च के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जेई मेन मार्च परीक्षा के 15 सवालों के उत्तर पर विद्यार्थियों ने दर्ज कराई है वो आपत्ति। जैन समाज ने शुरू किया कर्मिक अनशन, रीट परीक्षा तिथि बदलने की जा रही एक तरफ मांग और दूसरी तरफ 25 अप्रैल को ही होगी रीट परीक्षा, जल्द फाइनल होंगी परीक्षा केंद्र, ये भी बयान है वो दिया जा रहा है। कोरोना के चलते राहत, 25 तक होंगे आवेदन, CBSE बोर्ड परीक्षा का सेंटर बदल सकेंगे विद्यार्थी, स्कूल भी 31 मार्च तक पोर्टल पर भरेंगे जानकारी। JNVE में नियमित परीक्षार्थी 23 तक कर सकेंगे परीक्षा आवेदन। शिखर DPSU सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा संपन्न, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा पहले होगी जिससे आगे दाखिले में देरी न हो। 15 अप्रैल से स्वयं पाठी और 15 मई से नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा होगी शुरू। परीक्षार्थियों की तिथि में फेरबदल करें राज्य सरकार, बांटिया। और अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथि परिवर्तन करें सरकार, बैरागी। कई आज व्यक्ति उतरे मैदान में जो बोल रहे हैं। उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के दावे खोखले क्योंकि विश्वविद्यालय कॉलेजों में खाली पड़े हैं टीचर्स के 3600 पद। फिर नेक्स्ट खबर आपके लिए, कक्षा में 50% विद्यार्थी हैं वो अब आ सकेंगे। स्कूलों की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा निदेशालय ने कर दिया संशोधन, कक्षा 9 और 11 की जो परीक्षा है वो 12 अप्रैल से होनी थी वो 22 अप्रैल से वो स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट है पुलिस भर्ती, पुरुष 25 और महिलाएं 35 मिनट में दौड़ेंगे 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है 50 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आज से भरे जा सकेंगे फॉर्म। ओपन बोर्ड पूरक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक कर सकेंगे आप। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। फिर रीट, जयंती और EWS घोषणा से तिथि में फंसा है फेज। 25 अप्रैल को है परीक्षा, जैन समाज का अनूठा विरोध, जानिए 25 अप्रैल को। यहाँ पर तीन बड़ी वजह भी बताइए है। नेक्स्ट, रीट परीक्षा 25 अप्रैल को ही होगी, डॉक्टर जारोली ने साफ साफ बोल दिया है। अध्यक्ष ने कि एक सप्ताह में बोर्ड तय कर लेगा कितने केंद्रों पर होगी परीक्षा, ये भी फाइनल कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन हुआ तो भी बदल सकती है तारीख, अगर लॉकडाउन हुआ तभी तारीख को बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जाएगा। आठ बोर्ड परीक्षा आवेदन में 4 दिन शेष, अभी जमा हुए हैं 3.65 लाख अभ्यर्थी। आज के समाचार यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।